तो अब हम लोग बात कर रहे हैं लीनियर nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पर्टिकुलर इंटीग्रल के जो सेकंड पार्ट था और दैट विल टेक केयर ऑफ दिस x x इक्वेशन क्या थी आपके पास fd into y is equal to x x तो इतने पोर्शन से तो हमने देखा अभी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अब इसका टेक केयर करेंगे कि सॉल्यूशन में ये नॉन होमोजेनियस पार्ट का क्या फर्क आएगा उसकी टेक केयर करेंगे ठीक है तो पहला देखा अगर x ऑफ x लिखा हुआ है आपके पास e की पावर ax plus b अगर e की पावर ax plus b लिखा हुआ है तो आपने क्या लिखा पहले तो yp लिखा yp आगे e की पावर ax plus b upon f of d इसमें क्या करना है आप चुपचाप से d को a से रिप्लेस कर दो d को क्या कर दिया आपने a से रिप्लेस कर दिया और यही आपका आंसर हो जाएगा e की पावर ax plus b upon fa कब आंसर होगा जब fa is non zero if fa is non zero अच्छा इसकी प्रूफ की बातें अभी हम नहीं करेंगे इतना समय नहीं है हमारे पास हम लोग गेट के एग्जाम में मैथ्स में हम लोग इतने प्रूफ की बात नहीं कर सकते ऑलरेडी मैं आपको बहुत ज्यादा दे रहा हूँ तो प्रूफ के और तो नहीं जाएंगे पर आप जो टेक्निक्स हैं वो आपको एज इट इज याद रखनी है आप डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे समझो ना भाई कि जितने भी फिजिकल सिचुएशंस हैं आपके जो कोर सब्जेक्ट्स में कितनी बार उनका एंड सॉल्यूशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है और उन इक्वेशन को सॉल्व करने की टेक्निक बताई जा रही है आपको तो ये टेक्निक अगर आपको आती है तो जो आपने फिजिकल प्रॉब्लम को जिसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग की है जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आई उसको सॉल्व करना सिखाया जा रहा है आपको उसे प्रूफ की आपको बहुत ज्यादा जरूरत कभी नहीं पड़ती है ठीक है तो एज अ इंजीनियर भी आपको हमेशा अगर आप इतनी बातें जानते हो तो इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू तो अब मैं वापस आ रहा हूँ कि वाई पी क्या हो गया e की पावर ax plus b अगर x ऑफ x था नॉन होमोजेनिटी अगर ये थी तो d को रिप्लेस कर दिया a से प्रोवाइडेड f ऑफ a इज नॉन जीरो अगर f ऑफ a जीरो हो जाए अगर f ऑफ a मानो जीरो हो गया तो आप क्या करो तो जो सॉल्यूशन चेंज हो गया ऐसे आएगा भाई p = एक x इनटू करो यहां पे आगे इनटू द पावर ax + b और इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो m डैश अब ये भी कब लिखोगे प्रोवाइडेड f ऑफ a f डैश a जीरो नहीं होना चाहिए अगर ये भी जीरो हो जाए दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया अगर आपके पास ये भी जीरो आ जाए फिर आप डिफरेंशिएट करो कब तक डिफरेंशिएट करोगे जब तक जीरो ना आए जब तक नॉन जीरो ना आ जाए तो x स्क्वायर इनटू द पावर ax + b f डबल डैश ये भी कब सॉल्यूशन होगा जब f डबल डैश जो है नॉन जीरो है ठीक है ऐसे nth तक आप डिफरेंशिएट कर सकते हो या x की पावर n आ जाएगा f nth ऑफ a तब तक करोगे जब तक आपके पास डिनोमिनेटर में नॉन जीरो टर्म ना आ जाए ठीक है ये एक तरीका है प्रोसीजर है वो हमने ध्यान रख लिया अब इसके बेस पे आया हुआ गेट का एक सवाल कर लेते हैं तो इसके बेस पे एक बड़ा क्वेश्चन निकाल लेते हैं हम लोग ये क्वेश्चन गेट 2006 में आया था ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी थी d²y/dx² + 2dy/dx + 101y = 10.4 e^x बाउंड्री कंडीशन दे रखी थी आपको x इक्वल टू जीरो पे y 1.1 है x इक्वल टू जीरो पे dy by dx है -0.9 तो ये मैच द फॉलोइंग था एक क्वेश्चन था मैच द फॉलोइंग में तीन क्वेश्चन थे पहला क्वेश्चन था कि जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और उसके करस्पॉन्डिंग आंसर लिखे हुए थे एक था क्वेश्चन पर्टिकुलर इंटीग्रल उसके करस्पॉन्डिंग आंसर लिखा हुआ था और टोटल सॉल्यूशन उसके करस्पॉन्डिंग आंसर लिखा हुआ था तो 6 नंबर का क्वेश्चन था ये ठीक है तो 6 नंबर का ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे अब पहले तो आप देखो इसको शांति से देखते हैं क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो बिल्कुल है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर क्या है 2 है बिल्कुल क्या ये नॉन होमोजेनियस है बिल्कुल नॉन होमोजेनियस है क्योंकि 10.4 इन डी की पावर एक्स लिखा हुआ है अब जीरो नहीं है तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में निकालना पड़ेगा आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल में निकालना पड़ेगा फिर टोटल सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा टोटल सॉल्यूशन में आप बाउंड्री कंडीशन भी सॉल्यूशन की देख के रखिए उससे आपको कॉन्स्टेंट निकालने पड़ेंगे फिर आपको आंसर देना पड़ेगा इसीलिए 6 नंबर का है ठीक है तीन क्वेश्चन थे 6 नंबर के अब वन बाय वन करेंगे तो वन बाय वन के हम खुद पूरा सॉल्व करना है तो पहले निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फर्स्ट टास्क इज टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए तो क्या करेंगे हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो ये तो हो गई d² + 2d + 101 अच्छा इसके बाहर ब्रैकेट लगा के y लिखते इक्वल टू 0 फिर y को 1 रखते d को m रखते ये नहीं करेंगे सीधा इसके रूट्स निकालेंगे वही m है ठीक है तो इसके रूट्स निकाले तो d क्या आ गया ये तो क्वाड्रेटिक है तो -2 + √d² - b² - 4ac
माइनस टू प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो ये जाएगा माइनस टू प्लस माइनस फोर, तो बाहर ले लेते तो टू बाहर आ गया रूट ऑफ वन माइनस हंड्रेड एंड वन, तो वो आ गया माइनस हंड्रेड, तो ये क्या आया रूट माइनस वन तो आया हो गया और टेन आ गया, तो माइनस वन प्लस माइनस टेन आया, ये आ गया आपके पास रूट माइनस वन प्लस माइनस टेन आया। तो सबसे पहले तो हम आंसर निकालें, आंसर क्या आएगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा, होमोजेनियस पार्ट के कारण सॉल्यूशन है सी एफ सी वन, अच्छा ये तो इमेजिनरी रूट्स आ गए, तो ई टू द पावर माइनस एक्स तो बाहर हो गया इंटू सी वन कॉस टेन एक्स प्लस सी टू साइन एक्स, ये आंसर आ गया आपको पहला e की पावर माइनस एक्स सी वन कॉस टेन एक्स प्लस सी टू साइन टेन एक्स, ये क्या आंसर आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्या ये पूरा आंसर है कितने, ये किसका आंसर है ड्यू टू द होमोजीनियस पार्ट, इसको इक्वल टू जीरो करके जो आंसर निकाला वो ये है, अब भी नॉन होमोजीनियस भी है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकाले, और बाउंड्री कंडीशन हमेशा पूरा सॉल्यूशन निकालने के बाद रखती है, याद रखना बाउंड्री कंडीशन हमेशा पूरा सॉल्यूशन निकालने के बाद रखती है, तो पहले तो ये लिखिए इसको याद भी रखिए, अब आगे बढ़ते क्योंकि ये क्यों याद रखा इसको क्योंकि आगे काम में लेना है ना, इसका और पर्टिकुलर इंटीग्रल का सम करके जो आएगा आंसर वो हमारा आंसर होगा, तो वाई पी क्या आएगा सेकेंड इज पर्टिकुलर इंटीग्रल पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आएगा वाई पी इज, अब हमने देखा फंक्शन क्या है e की पावर x, तो पहले ही वाला केस नहीं, तो 10.4 इनटू e की पावर x इज xx डिवाइडेड बाय f ऑफ d को रिप्लेस करते हैं f ऑफ d पे लग दो, चलो f ऑफ d क्या आएगा d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 101, अब आप क्या करोगे d को रिप्लेस कर दोगे a से, a क्या है e की पावर ax प्लस b लिखते तो a 1 है इसमें, तो d को रिप्लेस कर दिया 1 से, तो 10.4 e की पावर x अपॉन d की जगह रख दिया तो 1 प्लस 2 3 प्लस 101 104, ये हो गया, तो ये तो 0.1 हो गया, तो 0.1 e की पावर x, ये आ गया आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है दोनों सॉल्यूशन आ गए, तो टोटल जो सॉल्यूशन आएगा तो y टोटल मतलब जो पूरा सॉल्यूशन आएगा इसका yx is equal to sum of complementary function and particular integral, तो प्लस 0.1 into e to the power x, ये टोटल सॉल्यूशन आ गया, पर जो आपको ऑप्शन दे रखा था ना मैच द फॉलोइंग में उसमें c1 c2 का वैल्यू भी निकाला हुआ है, और निकालने के लिए आपको क्या दिया है बाउंड्री कंडीशन दी है ये दोनों, तो इन दोनों को सेटिस्फाई करा के आप c1 c2 को निकाल सकते हो, तो पहले तो देखो y x equal to 0 पे y का वैल्यू है 1.1, तो रखा हमने तो x equal to 0 रखा तो ये तो 1 हो गया, और 0 पे cos 0 is 1 तो ये बचा c1 sin 0 0 c1 plus 0.0 into e की पावर 0 is 1 that is 0.1, this implies c1 क्या आ गया 1.1 minus 0.1 that is 1 c1 1, ये तो एक बात होगी, दूसरी बात अब आप क्या क्या करना है दूसरी कंडीशन है कि जो इसका डिफरेंशिएशन है वो x equal to 0 पे इसके स्लोप का वैल्यू कर्व का स्लोप एट x इक्वल टू 0. इज इक्वल टू माइनस 0.9, तो पहले इसको बता दिया उससे c2 भी आ जाएगा, तो इसको मिटाया हमने और डिफरेंशिएट किया इसको y डैश x लिखा हमने, तो व्हाट इज y डैश x, अच्छा इसमें तो चेन रूल लगा दो, तो पहले e की पावर माइनस x को डिफरेंशिएट किया तो e की पावर माइनस x इनटू माइनस 1, फिर इसको एज इट इज छोड़ दिया c1 cos 10x c2 sin 10x को ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है फिर e की पावर माइनस x को एक बार ऐसे ही छोड़ दिया और इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो cos का हो जाएगा माइनस sin 10x into 10, तो माइनस 10 c1 sin 10x, ठीक है माइनस 10 c1 sin 10x sin 10x का हो जाएगा cos 10x into 10, तो plus 10 c2 cos 10x, ये डिफरेंशिएट कर दिया, अब बचा इतना
इसका डिफरेंशिएशन तो वही आएगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x ही होता है, तो 0.1 e की पावर x, ये आके अभी देख लेते हैं। तो अब क्या करना है हमको, इसको इसमें वैल्यू रखना है 0, और y डैश एट 0 है 0.9 है, तो y डैश 0 रखो यहां, तो 0 रखा तो ये बन गया -1, अंदर क्या बचेगा, cos 0 is 1 तो c1, sin 0 0 वो हट गया, यहां से फिर ये 1 बचा, sin 0 is 0, cos 0 1, तो 1 into tan c2 प्लस 0.1, ठीक है, तो -0.9 -0.1 गया इधर, तो ये आया -1 is equal to -c1 प्लस 10 c2, c1 आया था हमारे पास, c1 आया था 1, तो 10 c2 क्या आ गया हमारे पास, 10 c2 आया -1, एक मिनट कोई गलती तो नहीं किया हमने, ये हो गया -1 c1, ठीक है, फिर इधर क्या, तो 1 आया, -10 c1 वाला तो 0 हो जाएगा, वहां बचेगा 10 c2, तो आया 10 c2 बिल्कुल सही है, 10 c2 प्लस 0.1, ठीक बिल्कुल सही किया है, तो -1 और c1 की जगह रखा 1, तो ये -1 और -1 तो कैंसिल हो गए, तो 10 c2 0 आ गया, व्हिच इंप्लाइज c2 0, c2 0 आ गया और c1 1 आ गया, तो ये बाउंड्री कंडीशन आपने रखा, तो क्या आंसर आएगा आपका, तो एक बार आप वापस चेक भी कर लेना अपने आप से, आई होप गलती तो नहीं किया है, तो जो आंसर आएगा हमने क्या निकाला था, आंसर e टू द पावर -x c1 cos 10x, तो c1 तो आया 1, तो ये तो हो गया cos 10x और c2 आ गया 0 प्लस बचा हमारे पास 0.1 x, ये आंसर आ गया, ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, तो ये क्या आ गया, टोटल सॉल्यूशन आफ्टर अप्लाइंग दी बाउंड्री कंडीशन, तो PI आ गया, CF आ गया, कैलकुलेशन अगर आप चेक भी कर लेना, CF आ गया, PI आ गया, उनका सम किया तो टोटल सॉल्यूशन आया, टोटल सॉल्यूशन बाउंड्री कंडीशन लगाई, सारे आर्बिट्री कांस्टेंट निकाल लिए, तो ये आ गया एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया, उस बाउंड्री कंडीशन के करस्पॉन्डिंग जो पर्टिकुलर कर्व आएगा वो ये आया, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पूरी की पूरी सेकंड ऑर्डर या nth ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, अभी और भी केसेस हैं, आगे करते हैं।